दर रविवारी आपल्या सीनियर टीचर्स असतात आणि एक आनंदाचा दिवस म्हणून आपण दर रविवारी साजरा करतो, म्हणूनच त्याला आपण आनंदम फॉलोअप आणि ज्ञान सत्र असं त्याला नाव दिलेले आहे। आणि आज मला सांगायला आवडेल सर्वांना, आज आपल्या सोबत दोन सीनियर टीचर आहेत, एक आध्यात्मिक स्तरवर खूप उंची गाठलेल्या आपल्या आर्ट ऑफ लिविंगचे सीनियर टीचर देवी वैभव श्रीजी आहेत ज्ञान, आणि ग्रामीण भागातले खूप सारे काम करणारे ग्रामीण भागातील युवकांना एक वेगळ्या दिशा द्यायचं काम करतात आणि नगरच्या एक प्रमुख आहेत सध्या, त्या आहे सुनीता दीदी घाडगे। तर त्यांचं जोरदार स्वागत करूया आणि सुनीता दीदींना मी विनंती करेल की आजचं फॉलोअप त्यांनी कंडक्ट करावा, प्लीज प्लीज। जय गुरुदेव। पूर्ण शरीर रुस सोडून द्यायचंय, हाताची हालचाल, पायाची हालचाल, चेहऱ्यावर स्माइल, टाटा बाय बाय करा, फक्त मनगटातून बोट आपल्याकडे खेचून धरा, चेहऱ्यावर स्माइल, हात समोर, बोट आपल्याकडे खेचायचे आणि पुन्हा टाटा बाय बाय करायचंय। सहा अष्टांग नमन, चार डावा पाय, दोन अष्टांगमन, डोक्यापासून तर पायाच्या अंगठ्यापर्यंत पूर्ण शरीरावर घेऊन जायचंय, पूर्ण शरीर सजग होणार आहे। समस्ता सुखिनो भवन्तु, ॐ शांति शांति शांति। Thank you.
आपल्या सोबत नगर ज्ञान क्षेत्राच्या वतीने दीदी आपलं स्वागत आहे. माझ्यासोबत अनेक टीचर्स आहेत है ना, आणि विशेष करून ज्ञान क्षेत्राचे कमिटी मेंबर देखील आहेत. देवी वैभवश्रीजी 2003 पासून संपूर्ण महाराष्ट्रभर तसेच भारतातील मोठमोठ्या शहरामध्ये काय नेपाळ आणि श्रीलंकेमध्ये सुद्धा मार्गातून त्यांना विशेष सेवेतून हजारो लोकांच्या जीवनामध्ये आनंद शक्ती आणि शांती उत्साहाची त्यांनी आनंद दिलेली आहे. तर दीदी आपलं स्वागत आहे. प्लीज प्लीज. जय गुरुदेव. वैसे तो गुरुदेव हमेशा कहते हैं ना कि आप कहीं भी चले जाओ हर व्यक्ति मुस्कुराता तो एक ही लैंग्वेज में है. हम कहीं भी दुनिया के कोने में चले जाए पर हमारी मुस्कान एक ही लैंग्वेज बताती है और वो है प्रेम सद्भाव. यहाँ आज पुरुषोत्तम मास के निमित्त प्रति रविवार आप इतनी सुंदर साधना कर रहे हैं, साधना से जुड़े हुए हैं और आज का ये अवसर मुझे मिला है आपके सामने कुछ रखने का या आने का. पर अभी कुछ दिन पूर्व एक वाक्य हमने पढ़ा, दिखने के लिए बहुत साधारण है, कहने के लिए बहुत साधारण है पर बहुत महत्वपूर्ण है. उपनिषदों का वाक्य है, कहते हैं महत जनो एन गतः सपंथा. क्या आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं सब मिलके? महत जनो एन गतः सपंथा, यानी हमारे लिए हमने ना संप्रदाय पंथ इसका अलग थोड़ा सा अर्थ निकाल लिया. वस्तुतः अर्थ क्या है? पंथ यानी पथ, हमें पथ मिल जाए, एक राह मिल जाए. कहते हैं ना कि अगर चाह सुधर जाए तो राह भी सुधर जाती है और फिर जीवन में फिर हम आह आह कहने का मौका नहीं आता, फिर वाह वाह कहने का मौका आता है. जब जीवन की चाह सुधर जाए तो राह भी सुधर जाती है. तो राह एक पथ ही हमें आगे ले सकता है. स्वाभाविक व्यवहार जगत में आगे बढ़ना हो, अध्यात्म जगत में आगे बढ़ना हो, पथ होना अनिवार्य है. मानते तो है ना. उपनिषद कहते हैं कि महत जनो एन गता सफल. जिस मार्ग पे महत जन हमारे साधु संत महात्मा गण हमारे अग्रज हमारे गुरु चल के गए हमारे लिए वही रास्ता है ना. भैया ने कहा सीनियर टीचर, सीनियर तो पता नहीं पर गुरुदेव ने कई जगह घुमा के इतने सारे एक्सपीरियंस दिए हैं ये तो मैं जानती हूँ. जब जब जहां जहां स्थानों में घूमी हूँ, जिस जिस स्थानों पे गई हूँ, हर वक्त हमेशा एक ही प्रश्न आगे से आया है, दीदी कुछ ऐसी बात बताओ कि हमारा मन तुरंत लग जाए, कुछ ऐसी बात बताओ कि हमारा मन इधर उधर ना दौड़े. वस्तुतः देखा जाए तो मन का बिखरना ही दुख है और मन का सिमटना ही सुख है. जब मन बिखरता है तो दुख पाता है और जब मन सिमट इन द सेंस जब मन एक स्थान पे आ जाता है तो निश्चित ही आनंद खुशी पाते हैं, हम भीतर से आनंद खुशी पाते हैं, अपनी चेतना खिल उठती है. ये हम सबने अनुभव किया. तो हर किसी का एक ही प्रश्न होता है कि तुरंत ऐसा कोई आपके पास टेक्निक है जो तुरंत हमें हमारे मन को प्रसन्नता दे दे? ऐसी कोई आपके पास टेक्निक है कि जो हमें तुरंत ही जो हमें चाहिए सिद्धि, हमें जो चाहिए प्रसिद्धि, हमें जो चाहिए वो हासिल कर दे? तो आज तक पूर्व से लेके आज तक एक ही रास्ता है. कौन सा रास्ता? साधना सेवा सत्संग. साधना सेवा सत्संग, साधना सेवा सत्संग. हमने ना इन सारी बातों को इतना लाइटली ले लिया गुरु कृपा से. बहुत सारे संत महात्माओं के मध्य में बैठने का अवसर मिला. कितने सारे संतों ने महात्माओं ने अपना अनुभव आगे रखा कि वर्षों से हम कर रहे हैं, नामस्मरण कर रहे हैं, वर्षों से ये सब मेरे जीवन में चल रहा है पर इतना होकर भी तुरंत ध्यान अवस्था की अनुभूति अभी हमने नहीं पाई. क्या नाम में सामर्थ्य नहीं है? नहीं, नाम में सामर्थ्य है पर करने की जो टेक्निक है वो टेक्निक अभी उजागर नहीं हुई है. और हम कितने भाग्यवान हैं कि हमें वो पथ, हमें वो मार्ग, हमें वो रास्ता ऐसे ही खुला हो गया. ऐसे ही गुरु कृपा ने उस मार्ग को हमें, अब जैसे नवरात्रि आ रही है
तो नवरात्रि में जगह जगह देवी भागवत कथा होती है, आपको तो पता है, आपने कभी सुना होगा देवी भागवत के बारे में। देवी भागवत एक ऐसी बात है, 8 वर्ष तक हमने देवी भागवत कथा सुनी, देवी भागवत कथा की, पर देवी भागवत कथा ने क्या बताना था, क्या लिखा था, सहज समाधि कोर्स किया, 2 दिन 3 दिन के 2-3 सत्र में मुझे पता चला, ओ देवी भागवत में बस ये बताना है, ये अनुभूति दिलानी है। यानी मैं तो कहती हूँ कि पूरे शास्त्र का निचोड़ गुरुदेव ने अनुभूति के रूप में आगे रखा है, और इस पथ पे अगर आपके साथ कोई जाएगा तो आपकी अनुभूति जाएगी। एवढं गंभीर होऊन माझ्याकडे पाहू नका, अगदी सहज घ्या। वैसे भी इतने बड़े ज्ञान को, इतने कठिन, इतने जटिल ज्ञान को गुरुदेव ने इतने आसान तरीके से आगे रखा है ना, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें एक ही करना है, बस महत जनो एन गथा, जिस मार्ग पे वो गुजरे बस उसी मार्ग से हमें गुजरना है और कुछ नहीं करना है। उन्होंने जितना कहा साधना करो, सेवा करो, सत्संग करो, और नई कोई विधि लाने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि नई विधि की आवश्यकता तो उन्हें है, नई विधि की आवश्यकता तो उन्हें है जिनको जो मार्ग पे चल रहे हैं उस मार्ग पे डाउट है, उस मार्ग पे संशय है। हम इस तरह से जुड़े हुए हैं इस ज्ञान के माध्यम से, इस ज्ञान से, कि इस ज्ञान ने ही हमारे भीतर के कई सारे संशय को दूर कर दिया है, किया है ना, किसके द्वारा किया है, उसी पे हम आ रहे थे, अनुभूति के द्वारा किया है। देखिए जो इंद्रिय लेती है उसको अनुभव कहते हैं, जैसे आंखों ने देखा, आंखों ने देखा, जो देखा वो सच भी हो सकता है और वो असत्य भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, आंखें तो कुछ भी देखती है। जैसे बारिश के मौसम में आंखों ने देखा कि अभी सूरज तो उगा ही नहीं है, पर क्या वस्तु स्थिति ये है, नहीं, सूर्योदय हुआ है, पर हाँ कुछ काले बादल उन सूर्य के आगे आ चुके हैं जिसकी वजह से हमें उनके दर्शन नहीं हो रहे। इसीलिए रामदास स्वामी ने बहुत सुंदर बात कही है, उपास नीला दृढ़ चाल भावे, भूदेव संताशी सदा नमावे, सत्कर्म योगे वय घाल वावे, सर्वामुखी मंगल बोल वावे। जैसे देखो तीनों बातें इसमें आती है, उपासनेना दृढ़ चाल वावे यानी साधना आ गई, सत्कर्म योगे वय घाल वावे यानी सेवा, और सर्वामुखी मंगल बोल वावे, सबके मुख से आप जय जयकार करो, जय गुरु ओंकारा जय जय गाओ। तो ये तो सर्वामुखी मंगल बोलवावे ही तो है, तो ये साधना भी हो गई, उपासना सत्कर्म के द्वारा सेवा भी हो गई, और मंगल बोलवावे यानी सत्संग भी हो गया। यही रास्ता हर किसी ने बताया है, अपने अपने तरीके से बताया है, अपने अपने प्रकार, किसी ने एक बताया, किसी ने दो, किसी ने जैसे भी हो, पर हम कितने भाग्यवान हैं कि हमें तीनों तीनों रास्ते नहीं कह सकते, तीनों पहलू उपलब्ध है इस यज्ञ के, जीवन रूपी यज्ञ के तीनों पहलू उपलब्ध है। यज्ञ की परिभाषा आपकी क्या है मुझे पता नहीं, पर भगवत गीता यज्ञ की परिभाषा ये करती है कि जहां जिस बात की क्षति हो उसकी पूर्ति करना यज्ञ है। अब बताइए ये पूरी सृष्टि यज्ञ कर रही है, कर रही है कि नहीं, समय पे वर्षा होना, समय पे सूर्योदय होना, समय पे सूर्यास्त होना, ये सारी बातें जो चल रही है ना, इसको यज्ञ कहा गया है। यज्ञात भवती पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभवा, अन्नात अन्न से ये बना हुआ, ये 6, 7, 5, 4 जितने भी फुट का ये शरीर है, जितना भी मोटा है, अब तो साधना कर रहे हो अच्छे से तो कम तो हुआ ही होगा, 2-4 किलो तो इधर उधर है ना। कहने का तात्पर्य है जो आंखों ने देखा वो अनुभव है, जो कानों ने सुना वो सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, और जो आज सत्य असत्य है कल सत्य होगा ऐसा सत्य कभी नहीं होता। सत्य यानी क्या, जो तीनों कालों में सत्य ही रहेगा, जो कल भी था आज भी है और हमेशा रहेगा, है ना, तो इसे ही सत्य कहते हैं। जो कानों ने सुना कल असत्य था आज सत्य है, अगर ऐसा है तो वो संपूर्ण सत्य है ही नहीं, वो परम सत्य है ही नहीं, सत्यम परम धीमहि है ही नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आंखों ने देखा वो असत्य हो सकता है, कानों ने सुना वो भी असत्य हो सकता है, पर आत्मा ने जो पाया वो अनुभूति है। अनुभव इंद्रिय जन्य कहलाता है, अनुभूति आत्मा से होती है। सही सही बताइए, आप उपस्थित जितने भी 50 से अधिक लोग हैं,
आप बताइए, जब जब आप साधना करते हो, इस पथ पे चलते हो जिस पथ पे महात्मा जन चले, इस पथ पे चलते हो, कितने लोगों ने आपने अनुभव की, अनुभूति पाई कि पता नहीं हम तो आंखें बंद करके बैठे थे, कान बंद करके बैठे थे, पर भीतर से कुछ लगा, कुछ खिला, कुछ कुछ खिला भीतर से। कितने लोगों का अनुभव है, हाथ उठाओ। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि सूर्योदय होने के बाद कभी सूर्य किसी पुष्प को, कमल के पुष्प को उपदेश नहीं करता, चलो अब तुम्हें खिलना है, अब तुम खिल जाओ, भरना है तुम्हें, अब भर जाओ। नहीं, सूर्य का उदित होना, मीलों दूर, कोसों दूर सूर्य उदित होता है और यहाँ पुष्प खिलता है, कमल खिलता है। वैसे ही हम इस कोरोना की वजह से कितनी भी दूर फिजिकली बैठे हो गुरुदेव से, पर गुरुदेव की कृपा साधना है, गुरु कृपा साधना ही तो है, गुरु कृपा सत्संग ही तो है, हमें मिल रहा है ना। इसलिए वो कहते हैं ना, जिसे लोगों ने चुना वो संसद में जाके बैठे हैं, और जिसे गुरु ने चुना वही सत्संग में आके बैठे हैं, वही साधना में आके बैठे हैं। तो हम गुरु द्वारा चुने हुए लोग हैं, तो अगर हम गुरु द्वारा चुने हुए लोग यहाँ आए हैं, तो उनके द्वारा मिली हुई साधना उनकी कृपा ही है। तो गुरु कृपा रूपी सूर्य जब उदित होता है ना, तो हमारे चित्त वृत्ति का कमल पुष्प अपने आप खिल जाता है, अपने आप। देखो, साधना के द्वारा आपने साधना की, आपको किसी ने कुछ लाके दिया क्या? बहुत बड़ी संपत्ति लाके, धन लाके दिया, कुछ लाके दिया? ये बाहर का धन मिले ना मिले, पर एक भीतरी धन हमने पाया, एक 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 अद्भुत अनुभूति हमने पाई, और वही आत्मा की अनुभूति परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। वो है ना, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, सब मिला, धन मिली, जेवर मिले, जायदाद मिली, जो चाहिए था सब मिला, पर वो अनुभूति ही नहीं पाई, वो आत्मा की प्रसन्नता ही नहीं पाई। तो क्या ये सब मिलकर भी किसी बात का उपयोग है? रात भर बिछाना बिछाने में बहुत मेहनत कर दी, नींद ही नहीं आई, रात भर बहुत एकदम तकिया, मखमली तकिया लाया, एकदम मखमली, वो सबसे महंगी वाली गद्दा बिछा के सोने की कोशिश की, पर नींद ही नहीं आई। कहने का तात्पर्य सीधी सीधी, बिल्कुल सीधी सीधी बात यही है, ये जो अनुभूति है ना, एक क्षण की अनुभूति, देवाचे द्वारी उभा क्षण भरी, ऐसे क्या कहा है ना हमारे संतों ने, कि देवाचे द्वारी उभा क्षण भरी। तो मुझे किसी ने पूछा कि ये आप कहते हैं जोर जोर से हरिपाठ में, देवाचे द्वारी उभा क्षण भरी, देवाचे द्वारी उभा क्षण, ये जो क्षण भर खड़े रहने से हमें चार ही मुक्ति, चार प्रकार की मुक्ति है, उस अधिक प्रकार की मुक्ति है, उनमें से चार प्रकार की मुक्ति देवाचे द्वारी उभी क्षण भरी से प्राप्त हो जाती है सर। तो किसी ने मुझे पूछा कि ठीक है वो तो मिलेगी तब मिलेगी, पर ये देवाचे द्वारी में जो कहा है वो भगवान का द्वार कौन सा है? आप कहते हो ना कि द्वार पे खड़े, वो क्या किसी मंदिर के द्वार के बारे में बोला है क्या, किसी मंदिर के दरवाजे पे खड़े हो जाओ तो आपको मिल जाएगी भाई सब प्रकार की मुक्ति, संतुष्टि, प्रसन्नता मिल जाएगी? नहीं, क्या है ये ईश्वर का द्वार क्या है? उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने कहा देखो शास्त्र क्या बताता है ये तो मुझे पता नहीं, शास्त्रार्थ नहीं, पर मेरा भावार्थ यही है कि मेरे लिए अगर मेरे ईश्वर का द्वार कोई है, तो मेरे लिए मेरे ईश्वर का द्वार मेरे गुरु है, मेरे गुरुदेव है। क्या कहते हो आप? यही द्वार से होके जाना पड़ता है, यही द्वार गुरु द्वार बनते हैं, इसीलिए गुरुद्वारा कहा है, गुरुद्वारा, जो भी मिलेगा गुरुद्वारे मिलेगा और गुरुद्वार पे ही मिलेगा। आज इसे मान लो, कल मान लो, जीवन में जब मानना है, जीवन में जब मानना है तब मान लो, पर जिसको जिसको जब जब जो जो मिला है उसने गुरु के द्वारा ही पाया, यहां तक गोविंद को भी पाया है तो गुरु के द्वारा ही पाया है ना। कितने सारे संतों का अनुभव है, आपने कभी भक्तमाल की कथा सुनी होगी, भक्तमाल की कथा में एक सुंदर नामदेव महाराज की कथा आती है, कहते हैं एक बार पंढरपुर में सब ऐसे बैठे थे और गोरा कुंभार काका, एक बहुत सुंदर उन्होंने खेल आरंभ कर दिया, हाथ में ऐसी थापी ली, थापी जो कुंभार काका के पास थापी रहती है, और मुक्ताई ने कहा कि आप चेक करो कितने लोगों का मटका पक्का है, मटका पक्का है,
इतने लोगों का, तो उन्होंने हाथ में थापी ली और सबको थपथपाना शुरू कर दिया, ये पक्के है, ये पक्के है, ये पक्के है। और जैसे ही नामदेव महाराज की पीठ पे वो थापी पड़ी, वो चिल्लाए, अरे ये कैसा खेल खेल रहे हो, संत हो, बैठ के ज्ञान की चर्चा करो, अरे महात्मा हो, महात्मा जैसा व्यवहार करो। गोरुबा काका ने कहा कि ये मटका अभी कच्चा है, तो उनको सहा नहीं गया मुझे कच्चा का, जाके पांडुरंग भगवान पंढरीनाथ के आगे कहते हैं, पांडुरंग हे पंढरीनाथ आप ही बताओ क्या मैं कच्चा हूँ, उन्होंने मुझे, इन सारी संतों मंडली ने मुझे तो कच्चा कह दिया। तो पांडुरंग परमात्मा कहते हैं, नामा अभी तो कच्चे ही हो, अभी नहीं पके। बड़ा गुस्सा आया, अब तो हम यहाँ से भी चले जाएंगे, हम अपना भगवान ही बदल देंगे, ये तो हमें हम पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं कि हम पक्के हैं। पर कोई बात नहीं, भीतर निष्ठा थी, वहां से चले। भगवान ने खुद भेजा, ऐसे कहते हैं वो भेजा औंढा, औंढा नागनाथ की ओर। जब वहां से चले नामदेव महाराज ऐसे ही चेष्टा में कि अब मैं इसके पास आऊंगा नहीं, मैं इसको देखूंगा नहीं, विट्ठल को, ऐसे करके चले। और जब औंढा में आए, कहते हैं वहां शिवलिंग पर एक पैर रखकर कोई व्यक्ति सोया था। नामदेव महाराज ने भीतर प्रवेश किया शिवालय में दर्शन करने के लिए, दर्शन किया, देखा तो ये ऐसा व्यक्ति जो शिवलिंग पर पैर रख के सोया है। उन्होंने कहा, अरे महात्मान, अरे आप शिवजी पे पैर रख के सोए हो, आपके पैरों को हटाओ। तो नामदेव महाराज की ओर देखकर वो महात्मा कहते, देखो मुझसे तो ये पैर हटने वाले है नहीं, मैं तो काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, शरीर जीर्ण जीर्ण हो गया है, मुझसे तो उठाए नहीं जाएंगे, तो एक काम कर बेटा, तू ही उठा के कहीं रख दे इस पैरों को। तो उन्होंने शिवलिंग से उस पैरों को उठाया नामदेव महाराज ने, और कहीं और रखने के लिए जैसे ही गए, वहां और एक शिवलिंग निर्माण हो गई, फिर पैरों को उठाया, फिर बाजू में रखने के लिए कोशिश की, फिर और एक शिवलिंग, धीरे धीरे पूरा शिवालय शिवलिंग से घिर गया। और नामदेव महाराज देखते रहे। नामदेव महाराज जी ने क्षमा मांगी और कहा, महात्मन आप कौन है बताइए। तब उन्होंने बताया, वे थे विसोबाजी खेचर, वही विसोबाजी खेचर जो ज्ञानेश्वर महाराज की शिष्य है और माउली ज्ञानेश्वर महाराज जिनकी गुरु है। माउली ज्ञानेश्वर महाराज को एक बार खाना था, मांडे खाने थे, प्रसाद खाना था, तो उन्होंने ही, ये जो विसोबा खेचर थे उन्होंने ही वो उसके पात्र दिए नहीं, तो महाराज जी ने अपने पीठ पे वो फिर मांडे सेकने के लिए इनको मुक्ताई को कहा। ये छुप छुप के उन्होंने देखा था और वो फिर आगे महात्मा कहलाए। और उन्होंने ही नामदेव महाराज को ज्ञान कराया कि अगर ईश्वर, कहते हैं ना, अगर ईश्वर एक पत्ते में है तो हर पत्ते में कौन, अगर ईश्वर एक कण में है तो हर कण में कौन, अगर वो है तो हर जगह है और नहीं तो कहीं भी नहीं, इसका ज्ञान कराने वाला कोई है तो वो केवल और केवल गुरु ही हो सकते हैं। गुरु के ही द्वार से होकर गुजरना, गुरु कभी दीवार नहीं बनते, ईश्वर परमात्मा और जीवात्मा के मध्य में गुरु कभी दीवार नहीं बनते, जीवात्मा और परमात्मा के बीच में महात्मा द्वार बनने के लिए आता है, ताकि एकदम सहजता से वो जीवात्मा ईश्वर के चरणों तक पहुंच जाए, वो प्रसन्नता तक पहुंच। ईश्वर आप किसी फिजिकल ऐसे फॉर्म में देख रहे हो तो ऐसे नहीं, ईश्वर यानी प्रसन्नता, ईश्वर यानी आनंद, आनंद ही गोविंद है, गोविंद ही आनंद, ऐसा कहा है, तो आनंद ही गोविंद है। और उस भीतरी आनंद तक पहुंचना है तो हमें गुरु द्वारा होके ही गुजरना पड़ेगा। और गुरु ने क्या कहा है, महत जनो एन गता सपन्था, महत जन कहा से गए, कौन से द्वार से गए, साधना सेवा और सत्संग के द्वार से, जिन्होंने हमें ये सब आगे रखा। और कुछ नहीं करना है, अलग से कुछ नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, गुरु पर विश्वास रख के अपनी साधना निष्ठा से करिए, अपना सत्संग निष्ठा से करिए और अपनी सेवा निष्ठा से करिए, गुरु आज्ञा करिए, इसे जीवन का एक लक्ष्य हो जाए। जितना हमारे गुरुदेव ने कहा है, हमारे इष्ट ने, हमारे गुरु ने कहा है, बस उसको फॉलो करें, और अलग से करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? बहुत अच्छा, हम
जिनको जिनको धन्यवाद भैया, कृष्णा भैया धन्यवाद, आपने अवसर दिया इन सब के मध्य में आने का, आप सब साधकों के नित्य साधना करने वाले सबके मध्य में, और हम वृंदावन से जुड़े हैं, अभी हम वृंदावन में हैं, कृष्णा के द्वार पर ही बिल्कुल आनंद और गोविंद के द्वार पे है, और यहाँ से आप सबके लिए यही हम प्रार्थना करते हैं आनंद गोविंद के चरणारविंद में, कि आपका घर, आपका मन, आपका जीवन वृंदावन बन जाए और आनंद रूपी गोविंद सदा आपके हृदय में विराजमान हो जाए। सबके लिए धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा समझाए हमारे जीवन गुरु का क्या महत्व है, गुरु के बिना अपना जीवन ही अधूरा है ना, गुरु मिले तो ही सस्ता जा जैसे कहते हैं ना, इतने सस्ते में हमें गुरु का अगर वाणी मिल जाए तो क्या हर जन्म में हम उस पार जाने के लिए बहुत सारा मेहनत नहीं करना पड़ती है ना, तो हमारे संतों की वाणी पापा नामदेव पांडुरंग ना ज्ञानेश्वर संतों का जो आपने परिचय दिया दिलाया खूब खूब अच्छा लगा सबको, और ये सबसे बड़ी बात कही आपने प्रकृति निसर्ग और हम एक ही है, जो हमें बार बार गुरुजी बोलते हैं जिसे सेवा करने से पता होता है, साधना सेवा और सत्संग गुरुदेव की वाणी और अच्छी तरह से उनको बह जा यही अपना जीवन का साध्य होना चाहिए, ऐसे पक्के बन जाओ बोलने चाहिए कि हाँ ये गुरु का चेला ही है ना, गुरु को अपने तरफ से गुरु को कोई याद करे वही अपना समर्पण और अपना भाव होता है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशा मिल गए हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशा मिल गए हैं, जन जन की सेवा यही मेरी पूजा, तुम ही तुम हो कोई न दूजा, तुमसे ही सब कुछ रोशन, कण कण में तू है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के शामिल गई है, जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा, ओम सर्वानी मना, जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, हर 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 महादेवा, ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय, हर 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 महादेवाय, हर 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 महादेवाय, हर 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 महादेवाय, शिव 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 सदा शिवाय, शिव 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 सदा शिवाय, जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा।
जय गुरु ओम तारा, जय जय सद्गुरु ओम तारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिवाय, हर 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 महादेवाय, हर 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 महादेवाय, हर 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 महादेवाय, शिव 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 सदा शिवाय, शिव 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 सदा शिवाय, सदा शिवाय। जय गुरुदेव, गुरुदेव दीदी, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। आम्ही आता पर्यंत आले तर भैयाच्या मधूनच तुम्हाला पाहत होतो, आता मग त्या ऑनलाइन जो आहे ना दर्शन होण्याचा योग आला आणि तो भी वृंदावन मधून येतोय। कृष्ण भगवान आम्हाला साक्षात भेटताय राधेच्या स्वरूपात। पुन्हा एकदा जय गुरुदेव। आमच्या बाळाने पण खूप छान प्रकारे तुझं सत्संग ऐकलं। कृष्ण भगवान पण हजर आहेत वृंदावनातून कृष्णा भैयांच्या माध्यमातून जुळण्याचा योग आला। एवढं छान लॉकडाऊन पासून चालू ठेवलंय अगदी फॉलोअप, अगदी रेग्युलर दर रविवारी एक एक सेलिब्रिटींना ते बोलवतायत आणि आम्हाला त्यांचा सहवास देत आहेत, त्यामुळे भैयाचे पण धन्यवाद।